सबसे पहले लोगों का पूछे जाने वाला सवाल, आदि कैलाश तक गाड़ी जाती है तो कहाँ तक जाती है? तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर बैठ के ही आप दर्शन कर पा रहे हैं। आपको मैंने चारों तरफ का नज़ारा बताया है, लेकिन ये मेरी लाइफ का बेस्ट वीडियो इसलिए है क्योंकि जब हम पहुँचे थे तो सारा मौसम साफ था और कुछ ही देर में बर्फ़ गिरनी चालू हो गई, और आप देख सकते हैं कि बाइक भी बर्फ़ के अंदर दब गई और गाड़ियां भी बर्फ़ के अंदर दब गई। और अब देखिए जो नज़ारा मैंने आपको पहले बताया था बिना बर्फ़ के, अब आप देखिए कि बर्फ़ में वो नज़ारा कैसे लगता है। एक साइड पर आदि कैलाश है और मेरी पीछे की साइड पर 5 पांडवों का पर्वत है। 7 दिन तक हम लोग बर्फ़ में फंस गए थे, हर हर महादेव, घुटन तक बर्फ़ आ गई थी और चलने में भी तकलीफ़ हो रही थी। और ये रास्ता तो मिलिट्री वालों ने बनाया है, वरना आप एक कदम नहीं चल पाएंगे, आपके कदम बर्फ़ में घुस जाएंगे। और यह यात्रा मेरे लिए सबसे बेस्ट वीडियो इसलिए भी था क्योंकि इसी के साथ मेरे 1000 मंदिरों के वीडियो भी पूरे हुए और 5 में से मेरे 4 कैलाश भी पूरे हुए। तो 4 कैलाशों को पंच तत्व का क्या महत्व है वो भी आपको आगे बताऊंगा, जो और किसी भी वीडियो में आपको जानने को नहीं मिलेगा। यह मेरी लाइफ का बेस्ट वीडियो भी इसलिए है क्योंकि बर्फ़बारी होने की वजह से हम बर्फ़ में फंस गए और यहीं पर बैठकर आरती पूजाएं करते रहे। 7 दिन तक ना आज तक यहाँ कोई रुका है, ना आज के बाद भगवान करे किसी को रुकना पड़े, लेकिन ऐसा लग रहा था कि साक्षात महादेव के साथ हम कैलाश में रह रहे हैं, इसीलिए ये मेरा लाइफ का बेस्ट वीडियो है। जहां बाहर बर्फ़ गिर रही है, सफ़ेद चादर बिछी है, कुछ दिख नहीं रहा, वहीं टेंट के अंदर कैसे हम लोगों ने मौज मस्ती की, अंताक्षरी की, कैसे एंजॉय किया सब बताऊंगा। अंदर के टेंट का नज़ारा कैसा होता है कि बार बार बारी होने के बावजूद भी हमें ज़्यादा ठंडी नहीं लगी, इतनी बर्फ़बारी में भी यह कुत्ता हमें मिलने के लिए आया और अच्छा मनोरंजन हुआ। 250 वीडियो यहाँ पर मैंने शूट किए थे, लेकिन सिर्फ 50 ही अपलोड किए हैं, वो भी फास्ट भगा भगा कर, ना 2 घंटे का वीडियो आज कौन सा भक्त देखता है। 5,945 मीटर यानी कि 19,505 फीट की हाइट पर है आदि कैलाश, जिसका एरियल व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। अमरनाथ जी की 5,186 मीटर यानी 17,014 फीट हाइट है, जिसे बहुत मुश्किल माना जाता है, उससे ज़्यादा हाइट पर है ये। कैलाश मानसरोवर की हाइट 5,630 मीटर यानी 18,471 है, उनसे भी ज़्यादा हाइट पर हैं आदि कैलाश। किन्नर और श्रीखंड कैलाश की हाइट इससे कुछ ज़्यादा है। अक्सर आदि कैलाश बादलों के बीच में छाया रहता है, तो आपको दोनों दर्शन करवा रहा हूँ कि कैसे मौसम बदलता है। जहाँ एक साइड पर साफ साफ दर्शन कर पा रहे हैं, दूसरी साइड पर बादल छाए हुए हैं, इससे भी ज़्यादा बादल छा जाते हैं। जिस दिन हम पहुँचे थे तो सरोवर में आप देख पा रहे हैं कि कैलाश जी के दर्शन हो रहे हैं। कैलाश मानसरोवर में भी 2 झील हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल, और यहाँ पर भी कैलाश मानसरोवर ही की तरह पार्वती कुंड और गोरी कुंड है और सरोवर में दर्शन होते हैं। जब हम पहुँचे तो हमारे ऑक्सीजन किसी का 40 था, किसी का 50 था, कोरोना में तो 80 ऑक्सीजन पर लोग मर जाते थे। तो जब हम पहुँचे तो बर्फ़बारी की वजह से पार्वती सरोवर और गोरी कुंड ढक गया था, लेकिन ये दोनों फुटेज आपको आमने सामने इसीलिए बताए
कि देखिए कैसे मिलिट्री वालों ने हमारी जान बचाई। जहां एक कदम चलना मुश्किल था, वहां पर हमारे एक साथी जो चल बसे उनको 15 किलोमीटर तक नीचे लेके गए। देख सकते हैं ये शुरुआती दौर है जब हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी, तो छाते पे कैसी बर्फ थी। कुछ वीडियो मैंने जो आपको बताए हैं जिसमें आप साफ साफ दर्शन कर पा रहे हैं, वो हमारी कैलाशी मंजुला जी ने भेजे थे पार्वती सरोवर के, जिन्हें आप देख रहे हैं कि वो भी ऊपर से बर्फ से नीचे स्लाइड करती हुई आ रही हैं, लेकिन उनको फिर भी अच्छे दर्शन हुए थे। इसे एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे सरकार ने हेलीकॉप्टर में हमारी जान बचाई, कैसे मिलिट्री वालों ने हमारी मदद की। आदि कैलाश का पूरा महत्व बताऊंगा। 5 कैलाशों को पंच तत्वों का क्यों कहा गया है वो आज तक आपने किसी वीडियो में नहीं सुना होगा, वो बताऊंगा। कहाँ जाएं, कैसे रुकें, ट्रेन कहाँ कहाँ से मिलेगी, गाड़ी कहाँ कहाँ से मिलेगी, बस कहाँ कहाँ से मिलेगी, पैदल कैसे जाया जा सकता है, गवर्नमेंट ने हमें बचाने के लिए कौन कौन सी मशीनें और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया, देश की फौज ने कैसे हमारी मदद की और सरकार ने कैसे हमारी जान बचाई लेकिन कभी भी उसे टीवी का न्यूज़ नहीं बनने दिया। क्योंकि ऊपर फंसे फंसे एक समय तो ऐसा लगना चालू हो गया था कि जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो अब हमारा भी जीवन नहीं बच पाएगा। लेकिन सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए कोई बड़ी एडवर्टाइजमेंट तक नहीं की। अक्सर लोग आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर जाकर हवन करते हैं। जहां बाहर बर्फ गिर रही थी, वहीं हम अंदर टेंट में बैठकर हवन कर रहे थे। हवन के लिए सामग्री तो बहुत लाए थे, लेकिन सिर्फ कपूर और कुछ लिमिटेड चीज़ों से ही हवन करना पड़ा। मैंने तो आदि कैलाश, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, लंदन और रशिया गया था, उससे भी ज़्यादा आनंद ले लिया यहाँ पर आकर। तो अंत तक बने रहिएगा वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और 1000 मंदिरों के दर्शन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे दिव्य दर्शन लोगों को भी करवाइएगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मंदिर के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले 2 क्षण मस्ती के गुजार लेते हैं। हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। ओ लला। तो टेंट के अंदर पूजा पाठ भी हुआ, हवन भी हुई, मस्ती भी हुई और 7 दिन महादेव के सानिध्य में और मौज मस्ती करते कहाँ बीत गए पता भी नहीं लगा। 120 किलोमीटर का ट्रैक है जिसकी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन अब तो आप गाड़ी में अगर मौसम अच्छा हो तो 7 दिन में दर्शन करके आ सकते हैं, 5 से 7 दिन में। तो अभी इतिहास की तरफ बढ़ते हैं महादेव के। जब हम पार्वती सरोवर की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते पर अपने आप ओम बना हुआ देखा। आदि कैलाश को स्कंद पुराण के मानस खंड में बताया गया है, उसमें आदि कैलाश को धर्म द्वार कहा गया है। आदि कैलाश शिव और पार्वती की क्रीड़ा स्थली है। शिव और पार्वती ने यहाँ पे कई युगों तक तप किया है। वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत, भागवत कथा और 18 पुराण लिखे, उन्होंने महाभारत की रचना यहीं पर व्यास वैली में की थी और महाभारत लिखी थी माना गांव बद्रीनाथ के पास। महादेव जब शादी की बारात लेकर निकले थे तो उनके साथ में मेरे जैसे राक्षसगण भी थे, तो वो यहीं पर आकर बारात का पहला पड़ाव हुआ था। हमारा इंटरव्यू बाद में टीवी पर भी आया था, जो राइट साइड पर आप देख पा रहे हैं, जो मिलिट्री की वजह से हमें बचाया गया, गढ़वाल राइफल की वजह से और ITBT की वजह से ही हम बच पाए, जो मैं आपको आगे बताऊंगा।
गौरी कुंड के दर्शन आपको करवाए थे और आगे भी होंगे। गौरी कुंड में पार्वती जी को नहाते हुए देखने की कोशिश राक्षसों ने की थी तो महादेव ने उनको मार दिया। आज भी वहाँ की मिट्टी लाल है। 2 किलोमीटर का मुश्किल टफ ट्रैक है। 2 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लग जाते हैं। आज भी वहाँ पर माता के शेर के दर्शन होते हैं। पार्वती कुंड से नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। गौरी कुंड से डायरेक्ट ही पार्वती सरोवर के लिए भी रास्ता निकलता है। आगे जाकर 10 किलोमीटर पे चाइना की बॉर्डर है, जहाँ पर हम रुके हैं। इससे भी 10 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों पर जाकर मिलिट्री देश की सेवा करती है। पार्वती कुंड के पास में भीम खेती नाम का एक स्थान है, जहाँ कोई कुछ भी नहीं उगाता, फिर भी वहाँ पर हमेशा खेती रहती ही रहती है। पानी में आदि कैलाश की छाया भी गिरती है। वहाँ पे जाने के लिए रास्ता थोड़ा ख़राब है, लेकिन बाइक पे आप जा सकते हैं और एक मंदिर भी छोटा सा बना है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन का पोर्टेबल सिलेंडर 400 से 500 रुपए का आता है, वो साथ में लेके जाइएगा। कोरोना में तो अगर 80 ऑक्सीजन हो जाए तो लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सबकी ऑक्सीजन 40-50 थी, क्योंकि किसी के फेफड़े ख़राब नहीं थे, ऑक्सीजन कम थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे लंबा ट्रैकिंग है 120 किलोमीटर का, और किसी यात्रा में इतना लंबा ट्रैक नहीं है। कैलाश मानसरोवर की तरह ही ट्रैक है। कैलाश मानसरोवर का रास्ता भी यहीं से गुजरता है। कैलाश मानसरोवर की तरह यहाँ महादेव साक्षात वास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की तरह ही यहाँ पर 2 कुंड हैं, और कैलाश मानसरोवर का ही यहाँ पर दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है जितना कैलाश मानसरोवर में होता है। इसीलिए कुछ लोग इसे छोटा कैलाश भी कहते हैं। अगर 2 इंसान सेम दिखते हों तो ऐसा कहा जाता है कि ये छोटा भाई है, छोटा दोस्त है। भगवान के 5ों कैलाश सेम हैं, ना 12 ज्योतिर्लिंग में कोई फर्क है, ना 5 कैलाशों में, और ना ही 1 कमल शक्ति पीठों में। बस ये तो श्रद्धा की बात है कि किसी ने छोटा कैलाश मान लिया जो कैलाश मानसरोवर तक नहीं जा पाया। शिव और पार्वती की ये तपोस्थली रही है, तो आशा करता हूँ कि आप भी यहाँ पर आकर तप करेंगे जो सीधा भगवान तक पहुँचेगा। आदि कैलाश, आदि का मतलब होता है, आपने सुना होगा, ना आदि ना अंत, उसका महादेव के बारे में कहा जाता है। तो आदि का मतलब है जो अनंत काल से, धरती की शुरुआत से यहाँ पर था। ये इतनी पवित्र भूमि थी कि जो आदि काल से थी, तो भगवान ने यहाँ पर आके शादी के समय पर पड़ाव किया और तप करना पसंद किया। तो भूमि तो ये पहले से थी, लेकिन कैलाश बनी महादेव के आने के तप करने के बाद। आप देख सकते हैं कि जब अनाउंसमेंट हुआ कि हेलीकॉप्टर हमें लेने के लिए आएगा, तो यात्री कैसे खुशी से नाच रहे थे। आदि कैलाश को शिव कैलाश भी कहा जाता है, बाबा कैलाश भी कहा जाता है। महाभारत की कथा यहीं की थी, तो पीछे 5 पांडवों के पर्वत भी हैं, और आदि कैलाश आने से पहले कुटी गांव आता है जो माता कुंती का मायका है, पर वहां पर लेडीजों को जाना वर्जित है। तो एक बार फिर से हर हर महादेव। तो वेद व्यास घाटी
पीछे होकर जब आप आएंगे पहले काली नदी ख़त्म हो जाती है और वेद व्यास नदी को जब आप देखेंगे तो आप को ऐसा लगेगा जैसे आप विदेश घूमने आए हैं और विदेशी नदियां देख रहे हैं। नीले रंग का साफ पानी आपका मंत्र मुग्ध कर देगा आपको। उसका ब्लू वाटर और कल कल बहता पानी मन मोह लेता है। 90% रास्ता कैलाश मानसरोवर से ही मिलता है। ढारचूला से आदि कैलाश पहुंचने से पहले ऐसे ऐसे झरने आते हैं जो मैंने और किसी यात्रा में अपने पूरे जीवन में नहीं देखे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि एक कदम चलना भी कितना मुश्किल हो रहा था। 20 कदम की दूरी पर टॉयलेट बाथरूम था, लेकिन लोग वहां तक भी जाने में असमर्थ थे और टेंट के बाजू में ही बाथरूम करना पड़ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि मिलिट्री वालों ने कितनी मेहनत करके हमें बचाया होगा। शास्त्रों में कई जगह उल्लेख मिलता है कि शिव और पार्वती, गणेश और कार्तिक के साथ यहाँ तपस्या करते रहते हैं। पहुंचकर लोग पार्वती सरोवर में स्नान करके, मंदिर के दर्शन करके आदि कैलाश के चरण स्पर्श को भी जाते हैं, मौसम साफ हो तो। कैलाश मानसरोवर में तो हर कोई नहीं जाकर चरण स्पर्श कर सकता, लेकिन यहाँ पर आप जाकर चरण स्पर्श करने जा सकते हैं। यहाँ पर आकर लोग हवन भी करते हैं क्योंकि उसका हजारों गुना फल मिलता है, लेकिन अगर हवन करना चाहें तो लकड़ियाँ, पूजा का सामान सब आपको नीचे से ही गाड़ी में लेकर जाना पड़ेगा। ब्राह्मण भी वहाँ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बड़े बड़े ग्रुपों में जाओ तो एकाध ब्राह्मण का साथ मिल ही जाता है। 2.5 किलोमीटर दूर था गौरीकुंड, लेकिन बर्फ गिरने की वजह से 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ा और जहाँ पर एक एक कदम उठाना मुश्किल था। तो 21 लोग गए थे हम यात्रा पर, जिसमें आप देख सकते हैं ये 5 ही लोग पूरी यात्रा में आगे गौरीकुंड तक जा पाए। हम लोग भी आगे बढ़े थे, लेकिन मेरे पाँव में फ्रैक्चर होने की वजह से, चाल धीमी होने की वजह से मुझे 3 किलोमीटर से ही वापस आना पड़ा। आँखों के सामने था गौरीकुंड, लेकिन मैं नहीं बढ़ पाया क्योंकि मौसम ख़राब होना शुरू हो गया और अंधेरा होना शुरू हो गया। और एक बार अंधेरा हो गया तो सफ़ेद चादर में आपको कुछ भी नहीं देगा, सब तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद दिखेगा और आप रास्ता भूल जाएंगे। अब एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो बहुत कम वीडियो में आपने सुनी होगी आदि कैलाश के बारे में। तो 5 तत्वों के 5 मंदिर भी हैं, लेकिन 5 तत्वों के 5 कैलाश भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आदि कैलाश की, जो जल तत्व का माना गया है। कैलाश मानसरोवर एक पवित्र कुंड और सरोवर है कैलाश मानसरोवर की तरह। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर में एक है, पर यहाँ पर 2 कुंड हैं, गौरी कुंड और पार्वती कुंड, और दोनों से ही आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। तो ये है जल तत्व का कैलाश। 5ों कैलाशों में इन्हें दूसरा नंबर दिया गया है। नंबरिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होती है। यहाँ आप मान सकते हैं कि बाकी के 3 कैलाशों से ये सबसे ऊपर है, मन की तसल्ली के लिए। दूसरा कैलाश मानसरोवर वायु तत्व है। वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है और भगवान का वो परमानेंट निवास स्थान है। तीसरा है श्रीखंड कैलाश, जो के भू तत्व यानी पृथ्वी तत्व यानी जमीन का है। भू का मतलब, खंड का मतलब होता है जमीन, जैसे कि एशिया खंड, अफ्रीका खंड, अमेरिका खंड, अंटार्कटिका खंड। भस्मासुर की वजह से यहाँ पर आकर रुके थे महादेव, श्रीखंड कैलाश में आकर तप किया था। किन्नौर कैलाश आकाश तत्व का है। पौवारी से कैलाश तक 20 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है, कहीं भी उतरना नहीं होता।
सीधा रास्ता कहीं भी नहीं है, ऐसा लगता है कि सीधा धरती से आकाश पर पहुंच गए, इसीलिए इसे आकाश तत्व कहा। पांचवा कैलाश मणि महेश कैलाश, जिसे अग्नि तत्व कहा गया है। सूर्य की किरणें जो अग्नि के समान चमकती हैं और ऊपर एक शिवलिंग पर गिरती हैं और वह मणि की तरह चमकता है। हम लोग जब गए थे तो राजनाथ सिंह जी भी आने वाले थे, वहाँ पर मेला लगने वाला था, लेकिन सारी यात्राएं कैंसिल कर दी गई और फिर वो मेला बाद में हुआ। चलिए अब फटाफट बढ़ते हैं कि आप पहुँच कैसे सकते हैं। तो पास का रेलवे स्टेशन है काठगोदाम और लाल कुआं। बस आपको पकड़ के जानी हो तो हल्द्वानी तक जा सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट है पिथौरागढ़। बेस्ट चॉइस रहती है कि आप काठगोदाम पहुँचें। डायरेक्ट काठगोदाम की ट्रेन आपको मिल सकती है जैसलमेर से, दिल्ली से, देहरादून से, लखनऊ से, कानपुर से, हावड़ा कलकत्ता से, जम्मू से। लेकिन बेस्ट रहता है कि आप दिल्ली आएँ, क्योंकि दिल्ली में ट्रेन दिन में 2 से 3 ट्रेन डेली चलती हैं और बस में जाने से ट्रेन में जाना ज़्यादा उत्तम रहता है, क्योंकि रात को ट्रेन में बैठेंगे और सुबह सुबह पहुँच जाएँगे। रात 9 बजे पुरानी दिल्ली से बैठकर आप सुबह जल्दी काठगोदाम पहुंच जाएंगे। वहां से शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है, पर बड़ी मुश्किल से। बस सुबह जल्दी जल्दी 5 बजे के आसपास मिलती है, वरना आपको ब्रेक जर्नी करके जाना पड़ेगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आगे कुछ बताऊंगा चीज़ें जो ध्यान रखने जैसी हैं, तो बने रहिएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट दारचूला जा सकते हैं काठगोदाम से, और चाहें तो रास्तों में कई आने वाले मंदिर करते करते जा सकते हैं। पहले आएगा भीम का बनाया हुआ भीमताल। स्वर्गीय नीम करोली बाबा का आश्रम आएगा, जिन पर हनुमान जी प्रसन्न थे और उन्हें कई शक्तियां प्राप्त थी। फेसबुक के CEO और मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के CEO भी वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जागेश्वर धाम जा सकते हैं, जहां 100 से भी ज़्यादा हिंदू मंदिर एक ही मंदिर के अंदर हैं। और फिर संगम काली गंगा, गोरी गंगा, पिथौरगढ़ और डारचूला पहुंच पाएंगे आप। यहाँ फिर आप कैंची धाम से चितई गोलू जाएंगे। चितई गोलू में जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, वहां पर जाकर अगर अर्जी लगाते हैं तो उन्हें इंसाफ कोर्ट में मिल जाता है। पाताल भुवनेश्वर होते हुए जा सकते हैं, जहाँ जमीन के अंदर गुफाओं में शिवलिंग है, जहाँ पर गणपति जी का सर काटा था महादेव ने, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दारचूला पहुँचकर दूसरे दिन STM ऑफिस से आपको इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है, मेडिकल करवाना पड़ता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। चाहे तो वो अपने शहर से भी करवा के जा सकते हैं, और अब तो ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, जिसमें लगभग आधा दिन निकल जाता है और एक दिन आपको वहीं पे आराम करना पड़ेगा दारचूला में। तो दारचूला में नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा आपको, काली नदी, तो आप नेपाल पहुंच जाएंगे। तो उस आधे दिन में आप जाएं तो नेपाल जाके घूम सकते हैं और छोटी मोटी खरीदी कर सकते हैं। इन साधनों की मदद से सरकार ने बर्फ हटाई और फिर हमको रेस्क्यू किया गया और बाद में हेलीकॉप्टर में नीचे लाया गया। नेपाल में छोटी सी ट्रैकिंग में एक माता जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। आगे और बढ़ें तो उससे पहले वीडियो को और भी लोगों को फॉरवर्ड करके दर्शन करवा दें, क्योंकि अभी आपको एक बहुत ही दिव्य चीज़ के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। जिस जिसको बोला है सबके लिए मिलेगा। पार्वती स्वरूप में बर्फ जम चुका है, यहीं से अभिषेक करवा के ला रहा हूँ। गायत्री छंद सम्मात है ब्रह्मयो ने नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दारचूला में कुमाऊं मंडल में ही हम रुके और अच्छे रूम और अच्छा खाना मिला, क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से यात्रा नहीं हो पा रही थी। कुमाऊं मंडल में जगह ना भी मिले तो अच्छे रूम, अच्छे होमस्टे और अच्छे होटल मिल जाते हैं। गाड़ी से जाएंगे तो रास्ते में एक पहाड़ आता है, जिसका आकार भगवान शिव जैसा है। ड्राइवर को कहेंगे पहले से बात करके रखेंगे तो ही वो वहाँ रुकेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो तवा घाट आएगा।
जहाँ से काली नदी और दारमा नदी का संगम है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। चौथे दिन लोग ओम पर्वत के दर्शन के लिए जाते हैं, और वहीं पर वेद व्यास जी की गुफा भी है और काली नदी का उद्गम स्थान भी है, जिसकी लिंक मैं आपको अलग से सेंड कर दूँगा। ओम पर्वत से रिटर्न मार आकर लोग नाभी गांव में रुकते हैं। नाभी से 35 किलोमीटर दूरी पर है जोलिंगकोंग की मिलिट्री पोस्ट। गाड़ी से अंदर ही दर्शन हो जाते हैं और मिलिट्री पोस्ट से भी दर्शन हो जाते हैं, जो मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ। जोलिंगकोंग पहुँच गए मतलब आप आदि कैलाश के दर्शन कर लिए। आप रिटर्न में लोग कुटी गांव के दर्शन करते हैं। कुटी गांव और कुटी पर्वत पांडवों की माता कुंती का मायका है, और आदि कैलाश से पांडवों पर्वत के भी दर्शन होते हैं, जो मैं आपको करवा चुका हूँ। ऐसे ही 1000 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन, और लोगों को भी फॉरवर्ड करके दर्शन कराएं। ओम नमः शिवाय का जाप 1 मिनट जरूर करिएगा।